जिस प्रकार हिमालय की तुलना केवल हिमालय से की जा सकती है, उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से की जा सकती है। 1902 में एक बुक निकली थी जो पीसी राय साहब ने निकाली थी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, और उसमें उन्होंने कहा कि देश के पतन के केवल दो ही कारण हैं। पहला कारण है कि देश के अंदर कास्ट सिस्टम है, और दूसरा कारण है कि देश के अंदर वैदिक शिक्षाओं का प्रचार है। बाबा साहब ने इस स्थिति की, अपने समाज की जो स्थिति है उसकी तुलना एक चीन के एक दर्जी से की है, जो कहता है उसे एक पुराना कोट दिया, जहां जहां से फटा था उसने वहीं से सिल के नए कोट को पुराना बना के दे दिया। उसी प्रकार देश में अनेक लोग राज्य करने वाले लोग आए, और आकर उन्होंने हमें हमारी स्थिति सामाजिक जो की क्यों रही, हमारे ऊपर जुल्म सितम अन्याय और अत्याचार किए गए, और किसी भी देश के अंदर कोई भी संविधान कितना भी अच्छा कानून या संविधान क्यों ना हो, जब तक देश के लोगों की नीयत सही नहीं होगी कोई कानून कुछ भी नहीं करेगा। और मुझे एक शायर का शेर याद आता है, न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मरता है, मर्जी है मेरे सैयद की। मैं अपने साथियों से इकबाल के शेर को कहते हुए कहूंगा, एक गाली में इकबाल गाली के शेर को कहते हुए कहूंगा, एक गाली में भूल में जीवन भर करता रहा, एक गाली में भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल का जमी थी चेहरे पर मैं आईने को साफ करता रहा। तो मैं अपने साथियों को आह्वान करता हूं कि वो भूल ना करें, और ऐसी सरकार को वोट बिल्कुल ना दें जो आपके अधिकारों को, आपके पॉलिटिकल राइट्स को, और आपको जो बिल्कुल आप पर जुल्म सितम अन्याय और अत्याचार ढाती है। वे लोग हम लोग वे, और मैं दूसरी बात आपके साथियों को कहूंगा, एक बात का शेर है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज बीजेपी गवर्नमेंट ने कह दिया कि मजहब सिखाता है भाई को भाई का खून पीना। मैं अपने साथियों से बात कहूंगा, हमारा मुख्य उद्देश्य है देश में से गुलामी को खत्म करना, हर इंसान को बराबर तत्कार देना। एक बार इटलर का एग्जाम्पल दूंगा जो उसने अपनी मीन कैंप बुक में लिखा है, मीन कैंप का जर्मन मंत्र होता है माइस्टेगर। जब उसने जर्मन पर हालैंड पर आक्रमण किया तो हालैंड के लोगों ने नदियों को तो उसको अपनी समुद्र की दीवार को तोड़कर और अपने साथ में जर्मन की फौज को जला दिया। तो हिटलर ने एक बात अपनी मीन कैंप ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, न एटमिक बम होता है, जितना मनुष्य का बनाया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य बनने के लिए एक बार तैयार हो जाए, दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन आकाश की बदलियों से निकल के कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। इनको तोड़ने के लिए सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। और मैं अपने भाइयों से कहूंगा कि जब तक इस देश के अंदर आप लोग तथागत बुद्ध सम्यक तथागत बुद्ध के धर्म को नहीं अपनाएंगे, जब तक कोई भी आदमी मंदिरों में क्यों जाते हैं, तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा है, वो 22 प्रतिज्ञा 22वीं सदी को देखते हुए उन्होंने लिखी थी। 22वीं सदी को देखकर लिखी थी। हमें क्या जरूरत है, हम अपमानित होकर लिए जाते हैं हमारे ला। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी एक मेरा भाई बता दे कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू गॉड एंड गॉडेस इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द शूद्र कास्ट। नथिंग। शूद्र कास्टों के चतुर्मुखी विकास में हिंदू देवी देवताओं का क्या योगदान है। और यहाँ पर प्रियार रामास्वामी के बयान को देखिए कि देश के दलित जब तक चतुर्मुखी विकास नहीं कर सकते, जब तक देश में छुआछूत खत्म नहीं हो सकती, जब तक वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते रहेंगे। आप बुद्ध के धर्म आइए, मानवता के धर्म आइए, और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलिए। और मैं एक बात और कहूंगा कि जो हमारे उसमें लिखा है, जब कोई नवतरुण को धर्म आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे कि चंद्रमा बादलों से मुक्त होकर इस संसार को देता है। मैं थैंक्स करूंगा डॉक्टर धनंजय साहब का, और उनसे विनती करूंगा कि हर 2 महीने में कैसा ही प्रोग्राम करते रहे भगवान बुद्ध के फैलाने का और उनको फैलाने का। और हर आदमी की है कि हर आदमी दूर दूर तक जाके धर्म को फैलाए, ये हमारे लिए जरूरी है। हमें किसी गीता को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी रामायण को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी महाभारत को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को पढ़ने की जरूरत है।
गीता को सीधा भाषा में बता दूं क्या है, इज अ लेक्चर, गीता इज अ लेक्चर व्हिच वाज गिवन टू कमिट द मर्डर बाय कृष्ण टू अर्जुन। भैया हत्या करनी है तो पढ़ लो उसको। महाभारत क्या है, इट इज अ सिविल डिस्प्यूट, पार्टीशन का डिस्प्यूट था दो भाइयों के अंदर, भाई हमारे सुरकास्ट लोगों का क्या लेना देना है। और सुरकास्ट इज नॉट ए कास्ट इन द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ ए कास्ट। जस्टिस जो जो थॉमसन का स्टेट थॉमस का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के का कि कास्ट इज नॉट ए सुरकास्ट इज नॉट ए कास्ट इन द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ कास्ट। ये वो लोग हैं जिन पर सदियों से जुल्म किया गया है, अन्याय अत्याचार किया गया है और जिन्हें मानवता के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस प्रकार के लिए खड़ा हुआ एक धमकारी सैकड़ों धमकारियों को रोकता रहता है, उसी प्रकार मुझे वो शिक्षित व्यक्ति चाहिए जो दूसरे लोगों को बराबर सामाजिक क्रांति ला सके। और जब कोई गरुड़ आकाश पहुंचता है तो हवा के रुख की परवाह नहीं करता। इसलिए एक बौद्ध विद्वान बाबा साहब डॉक्टर का जो फॉलोअर है वो 25 साल बराबर अध्ययन करने के बाद लाता है कि समाज में रेवोल्यूशन कर सके। मुझे लाल किले में आया हुआ शेर याद आता है कि गर्फदोष पर हुए जमी हमी अस्तो हमी। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो बाबा साहब के संविधान में है। और बाबा साहब के रास्ते पे तथागत बुद्ध के रास्ते पे एक मैं और बात कहूंगा, जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा की जाती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा की जा सकती है, उसी प्रकार बाबा साहब के संविधान की रक्षा आपके द्वारा की जाएगी और बाबा साहब का संविधान आपकी रक्षा करेगा। समय बहुत कम है, जय भीम नमो बुद्धाय।